चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा। अरे रुक क्यों गए, गाइए ना। तुम्हें गाना सुनना अच्छा लगता? जी हाँ, मुझे खुद भी गाने का शौक है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैं डाक बंगले के चौकीदार की बेटी हूँ। आज पापा बीमार थे, इसीलिए आपका खाना मैं लेकर आई हूँ। वैसे मेरा नाम चमेली है। साहब जी, आप मुझे गाना सिखाएंगे? गाना सिखा दूंगा क्या मतलब? अच्छा, गाना सिखा दूंगा क्या मतलब हुआ? अगर तुम मुझे टाइम दो तो मैं तुम्हें शहर ले जाके मलका तरन्नुम नूरजहां से बड़ी सिंगर बना दूंगा। सच साहब जी? हाँ, फिर तो मैं रोज आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी।
पूरे कागज पे तेरा नाम लिखा, फिर चुम्मा कितनी बार, पूरे कागज पे तेरा नाम लिखा, फिर चुम्मा कितनी बार, मैं क्या बतलाऊं तुमको, मैं क्या बतलाऊं तुमको, है तुमसे कितना प्यार, बादल की बरसात क्यों? प्यार मोहब्बत एक लड़की की जिंदगी में वो जज्बाती लम्हात होते हैं जिन्हें वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाती। डरती हूँ हमारे प्यार का इल्म अगर मेरे पापा को हो गया तो। ऐसी नौबत आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से अपने लिए मांग लूंगा। चमेली, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए कल मेरी बाजी तुम्हारे बाबा के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आ रही है। अब आइए ना, आइए आइए आइए। आइए मैं रहमान बाबा से आपका तारुफ करवा दूं। हम अपना तारुफ खुद करवाएंगे सुलेमान। ये मिठाई हमारी तरफ से पूरे गांव में तकसीम कर दीजिए। रहमान भाई, ये जेवरात हमारे भाई की उस दुल्हन के नाम जिसकी वजह से ये दिन देखना नसीब हुआ। नहीं नहीं बेगम साहबा, रिश्ता करने से पहले हमारी शराफत के बारे में तो पूछे कुछ तो। मेरे भाई ने करोड़पति लड़कियों के रिश्ते ठुकराए हैं, मुझे सिर्फ अपने भाई की खुशी अजीज है। मैं चंबेली को ब्याह कर अपने साथ ले जाने आई हूँ। चंबेली? इनकार इसलिए ना कीजिएगा कि मैं अपने भाई की शादी के लिए 5-स्टार होटल बुक करवा चुकी हूँ। लेकिन बेगम साहबा, शादी के लिए कुछ तैयारी? किसी तैयारी की जरूरत नहीं, बस आप मौलवी बुलवाइए और सादगी से निकाह पढ़वा कर मुझे 3 कपड़ों में सुलेमान की दुल्हन चाहिए। इतने बड़े लोगों के सामने मुझे गरीब की क्या मजाल कि मैं इनकार कर सकूं। मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। आओ आओ। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा कमरा, ये सब मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। ये ठंडी मशीन भी है? इसे ठंडी मशीन नहीं, इसे फ्रिज कहते हैं और वो वॉशरूम है तुम्हारे। मा। कमरे में एक और कमरा? ये तुम्हारे नहाने के लिए। हेलो, क्या? मगर कैसे? अच्छा ओके 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 ओके। क्या हुआ? अब जान, अब देखो ना, आज हमारी सुहागरात है मगर
क्या हुआ? वो मतलब मेरी बहन से दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, वो खून में लथपथ सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसने मुझे मदद के लिए बुलाया। सरताज, हमारी जिंदगी में ऐसी कई रातें आएंगी, लेकिन आपने अगर अपने दोस्त की जान न बचाई तो खुदा ना करे वो आपको जाना चाहिए। थैंक यू जान, थैंक यू। वो एक प्रॉब्लम और है। क्या? वो आज मेरे एक अंकल सिंगापुर से आ रहे हैं मुझे शादी का तोहफा देने, मगर मैं तो आप जाकर अपने दोस्त की जान बचाइए, मैं यहाँ हूँ ना, मैं आपके अंकल का ख्याल रखूंगी ताकि उनको आपकी कमी महसूस ना हो। थैंक यू जान। अच्छा। हम जहां भी जाते हैं अपना बंदोबस्त करके जाते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। ठीक है, दरवाजा बंद करो। लेकिन आप कौन? तुम्हें सलमान ने बतलाया नहीं, सिंगापुर से। ओह अंकल, मैं तो डरी गई थी, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। हम अपना जूस अपने पास रखते हैं। देखती क्या हो? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके भतीजे सलमान की दुल्हन हूं, और आप? नहीं नहीं, तुम सलमान की नहीं, हमारी दुल्हन हो। दुल्हन एक रात किया। रूम सर्विस नहीं चाहिए, वापस जाओ। और अपने आप को गिरफ्तार समझो। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं कि मैं किसी दहशतगर्द जमाल खान की दुल्हन नहीं हूं, मेरी दूल्हा का नाम सलमान है। साली, देखिए तुम इसके साथ। सुल्ताना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। होटल के रजिस्टर में
सुहाग रात वाले कमरे की बुकिंग मिस्टर जमाल खान उर्फ जेके के नाम से है, तो फिर तुम सलमान की दुल्हन कैसे हो सकती हो? वो मैं नहीं जानती, दहशतगर्द जमाल खान जो भी है मेरे दूल्हा का अंकल। अंकल? इसका मतलब है सारा खानदान ही दहशतगर्द है? नहीं। बोल, कहां कहां बम ब्लास्ट कराने में जमाल खान की मदद की तूने? मैं दहशतगर्द नहीं हूं, मैं नहीं हूं दहशतगर्द। तो फिर तू दुल्हन एक रात की है जो हर रात किसी कोठी खाने की नायिका के इशारों पे बड़े बड़े लोगों की रातें रंगीन बनाती है। औरत होकर औरत की तौहीन करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो, खुद तो एक रात में दो दो दूल्हा रखती हो और सुल्ताना को शर्म सिखाती हो। अगर तूने दहशतगर्द जमाल खान की बीवी होने का इकरार ना किया तो मैं तुम्हें अपने थाने के हर मर्द की एक रात की दुल्हन बना दूंगा। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसी दहशतगर्द की बीवी नहीं हूं? मेरे दूल्हा का नाम सलमान है, सलमान है। फिर वही किस्सा पिटा रिकॉर्ड। चल, सुबह सुबह तेरा कोई दीदार करने आया है। चोर उचक्के डाकू लुटेरे दहशतगर्द पड़वे, किसी की तो वकालत करने से तो इनकार कर दिया कर। क्या करूं, जिस तरह तुम्हारा काम मुजरिम को गिरफ्तार करना होता है इस तरह मुझे भी अपना क्लाइंट बचाना होता है, चाहे वो मुजरिम हो या मुलजिम हो। इसका फैसला करना तो जज का काम है। चंबेली और करतूत मासूम शहरियों की जान लेना। अच्छा, अब मैं चंबेली से कुछ अलहदगी में बात कर लूं? हाँ, क्यों नहीं, तेरी जगह कोई और वकील होती ना तो मैं उसे थाने में घुसने ही ना देती। आराम से बैठो, मुझे सलमान ने भेजा है। सलमान कहाँ है? कहाँ है सलमान? बताती हूँ, पहले तुम इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो और वो सुनो जो तुम्हें अदालत में कहना है। लेकिन सलमान है कहाँ? उसकी दुल्हन सारी रात थाने में रही और वो घर में छुप के बैठा है। वो क्या कर सकता है, तुम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा है। मुझे भेजा है ना उसने तुम्हें रिहाई दिलवाने के लिए। मैं तुम्हारी ज़हनी हालत समझती हूँ। जमाल खान सलमान का अंकल नहीं था, उसका तो उसके साथ गारमेंट्स का कारोबार था। अब क्या पता वो दहशतगर्द निकल आएगा। लेकिन पुलिस तो मुझे उसी दहशतगर्द की दुल्हन समझ रही है। सलमान को यहाँ कर बताना चाहिए कि मैं उसकी दुल्हन हूँ। ओहो, फिर वो एक क्या वो हॉस्पिटल से उठकर आएगा? होटल में हुए पुलिस मुकाबले में सलमान को गोली लगी है। उसे गोली लगने की खबर सुनकर उसकी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। वो दोनों माँ बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्या हिम्मत से काम लो, ये रोने का वक्त नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जैसा 2-3 महीने की सजा सुनाएंगे। दो
तीन महीने? इतनी देर तो केस पे भी लग जाएगी और सलमान भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा और तुम हंसी खुशी अपने घर भी चली जाओगे। ये मेरा कार्ड है, तुम्हें किसी किस्म की भी कुछ चीज चाहिए वो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। सुन रही हो ना, अब पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होटल की बुकिंग में जेके का नाम और तुम्हारी खामोशी इस बात की दलील है कि तुम दहशतगर्द जमाल खान उर्फ जेके की दुल्हन हो। गवाहों के बयानात और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तुम जमाल खान के किए गए बम धमाकों में भी मुलविस हो, लिहाजा ये अदालत तुम जैसी बेरहम के साथ कोई रियायत न करते हुए दफा 7A ताजिरात पाकिस्तान के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। नहीं! मेरी बेटी और जेल में, किस जालिम ने ये जुल्म कमाया है? जा भांगी, जा भांगी,
हमें यहाँ से बाहर ले चले, हमें यहाँ से बाहर ले चले। मैंने अखबार में सब कुछ पढ़ा है बेटी, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, सब मेरा कसूर है। जिसने छानबीन किए बगैर तुम्हारी शादी सुलेमान से कर दी। सलमान का कोई कसूर नहीं बाबा। कैसे कसूर नहीं है उसका? मेरी फूलों जैसी बेटी को जहन्नम की आग में झोंकने वाले का कसूर ही नहीं है। कहाँ है वो, कहाँ है वो उसकी बात? मेरे पास उनका तो पता नहीं, पर वकील नबीला का कार्ड है मेरे पास, उसको पता होगा, उसमें उसका टेलीफोन नंबर है। तुम फिक्र न करो बेटी, मैं बात करता हूं। हेलो, कौन चंबेली? बाबा वही रहमान बाबा जिसकी बेटी को तुमने उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। हाँ है मेरा दामाद सुलेमान, उसे कहो मुझसे रब्ता करे, मैं अपनी बेटी की रिहाई के लिए बड़ी अदालत तक जाऊंगा। सलमान का नाम सलमान नहीं, बाबू है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाबू शामले तफ्तीश किया जाएगा, तुझ पे नया केस बनेगा कि बाबू की दुल्हन होकर दहशतगर्द जमाल खान के बिस्तर में क्या कर रही थी। चुपचाप सजा काट वरना जाड़। आप नबीला, मेरी बेटी। बाबा, बाबा बेटी, बाबा चंबेली मेरी बीवी है नबीला, इससे तमीज से बात करो। मैं भी तो इसे यही समझा रही हूं बाबू। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं चंबेली, काश उस रात मुझे पुलिस की गोलियां लगी होती तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। मेली, मेरी मां इस सदमे से नींद पागल हो गई है, लेकिन मैं हॉस्पिटल से आ गया हूं, अब तुम्हें यहां ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और तुम्हें यहां से आजाद कराने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दूंगा चमेली। हां आप ही से समझाइए ना बाबा, मैं तो अपनी इस एक रात की दुल्हन से नजरें भी नहीं मिला सकता। काश, काश उस रात मैं मर गया होता, मर गया होता। मरे आपके दुश्मन। चुप हो जा मेरी बेटी, जब तक तुमने हारी ना हो जाती मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। आपको जाने किसे देना है बाबा, आपके दामाद की इस शहर में लंबी चौड़ी बिरादरी है, अब आप हमारे मेहमान बन के रहेंगे। अब तो रोना बंद कर दो जान। सलमान मुझे धोखा ना देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं
मैं ठीक हूं। ये तुम कहां ले आए हो बेटा? अरे बाबा घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे कजन जहांगीरा का घर है, इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जमीन है जायदाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। हाँ बोल रहा हूँ। कुछ भी नहीं होता मेरे आदमियों के मामले में, टांग मत अड़ाना ऑफिसर, वरना तू जानता है। अरे बाबा क्या हो गया? मेरे बेटे बात कम और गोलियां ज्यादा चलाते हैं। मैं हूँ ना कबीरे से, मेरा बेटा हीरा निपटेगा। ओके बाय। सलाम दादा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाबू ये बुजुर्ग कौन है? दादा ये मेरे ससुर हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम। दादा जब तक मैं इनकी बेटी को जेल से रिहा नहीं करवा लेता तब तक ये आपके मेहमान बन के रहेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब तक जी चाहे रही। तू सुना इस्लामाबाद वाला काम हुआ है कि नहीं? मैं तो इस केस की वजह से रुका हूं दादा, आप ये समझे कि मिनिस्टर साहब वाला काम हो गया। बस दादा आप जरा इनकी खातिर मदारत करते रहें। इनकी तो ऐसी खातिर मदारत करेंगे कि मरते दम तक याद रखेंगे। अच्छा बाबा मैं चलता हूं, मुझे वकील से मिलना है, कल मुलाकात होगी। हाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना ही घर है अपनी जगह है, आप यहां आराम करें, कोई ऐसी बात। अच्छा बेटा सदा खुश रहो। बैठो बाबा। कर्मा बाबू के ससुर हैं बेटा, इनकी खातिर मदारत करो। टुकड़े टुकड़े करके लाश बोरी में डाल दूं या मुंडी काट कर धड़ गटर में बहा दूं? जो भी करना हो जल्दी करो। नहीं! टाइम पूरा हो गया है, इसलिए कि कबीरा जेल से वापस आ गया है। बोल देना अपने भाई से।
आइंदा से गलती करना। कबीर भाई, कबीर भाई वो अपनी दुकान ही खाली करवा दो। वो सारा मोटा सेठ जो है ना, वो दुकान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। आपका क्या जाएगा? आपने एक दफा कहना है तो हमारा काम बन जाना है। ए बारी, जाके बोल दे उस सेठ को कल तक उसकी दुकान खाली कर दे, वरना उसकी माँ की। ए बाबा, तेरी क्या दुश्मनी है उस क्या नाम है उसका? भाई वो साला जंगीरा। हाँ, तो क्या दुश्मनी है तेरी उस जंगीरा के भाई से? मैं तो उन्हें चलता तक नहीं पेटा। मुझे तो मेरी आस्तीन के सांप बाबू ने काटा है। जिगर का टुकड़ा देकर अपना दिमाग लगाया तू। तो मुझे ये सोने के कंगन दिखाकर मेरी सफेद पोशी का मजाक उड़ा रही हो या ये बता रही हो कि तुमने मेरी मोहब्बत को सोने के एवज बेच दिया है? जब भी करना उल्टी बात ही करना। ये कंगन मुझे मेरी माँ की सहेली ने मुझे तोहफे में दिए हैं। वाह वाह, इतना महंगा तोहफा, इतना महंगा तोहफा बगैर किसी मकसद के नहीं दिया जाता। रिश्वत के बाजार में सबसे ऊंचे दाम पुलिस वाले के लगते हैं, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यह सब कुछ नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं एक ईमानदार अफसर हूं, हक हलाल की खाता हूं। अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए ना, अगर तुम्हें रबियाल ये सब कुछ चाहिए तो फिर मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ रबियाल, इसलिए कि मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे सकता। याद रखना, ये तुम्हें किसी बाजार से भी मिल जाएंगे लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। भूल जाओ।
ये टाइम है तुम्हारे आने का? क्या हुआ? वहां जाग जाएगी। ओह ओके, चलो बहुत देर होगी, फिर बात तो सुन लो। राबियाल तुम नीचे जाओ, मैंने कबीर से बात करनी है। माँ मैं वो जानती हूँ, मैं तुम कबीर से प्यार करती हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार की नहीं पैसे की जरूरत होती है, और कबीर के पास कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, मैं कबीर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बदतमीज। तो फिर मुझे कत्ल करके अपनी साशा के साथ भाग जाओ। क्या कह रही हो खाला? ठीक कह रही हूँ मैं, तुमने हमारा बेड़ा घर कर दिया, हमारी इज्जत का जिनाजा निकाल दिया है। बस अब वही होगा जिसकी मैं जुबान दे चुकी। क्या जुबान दी है खाला? मैंने अपनी बेटी की शादी बेगम परवीन के भाई के साथ तय कर दी है। ये मैं नहीं उड़ूंगा, नहीं उड़ूंगा खाला, नहीं उड़ूंगा मैं। हम गरीब लोग तुम जैसे पुलिस वाले का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, कदमों में सर रख कर इतना ही कह सकते हैं कि एक माँ की इज्जत की लाज रख लो, लाज रख लो बेटा, लाज रख लो बेटा, लाज रख लो। मैं तुम्हारे कदमों में नहीं खाला, नहीं खाला, नहीं। आपकी इज्जत के लिए तुम्हें मैं अपनी जान भी देता हूँ। मुझे भूल जाओ प्यार, भूल जाओ मुझे। बेटी राबियाल, बस तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा मेरी बेटी। दुल्हन एक रात की। मुझे बेआबरू करने वाले मेरा खावन और उसकी बाजी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे खामिन की बाजी और तुम्हारे खामिन ने मुझे यहां भेजा है। सिर्फ सील पैक का शौकीन हूं। तेरा मुकद्दर मैडम बीपी का खोटी खाना है राबियाल। यहां से भागने या किसी को फोन करके बताने की कोशिश की तो तुम्हारी मां जिंदा नहीं रहेगी।
بیٹا بنا کر بیٹے کی زندگی میں زہر گھولنے والی خالہ آج اس غریب کی چوکھٹ پر کیسے آ گئی؟ اپنی بیٹی کو سکھی دیکھنے کے لیے میں نے اس کی شادی اونچے گھرانے میں کی تھی، مگر ملی سے لے کر آج تک وہ لوگ میری بیٹی رابیال سے ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ جب بھی ان کی کوٹھی بیٹی سے ملنے جاتی ہوں، ان کا چوکیدار مجھے گیٹ سے اندر نہیں جانے دیتا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے نا؟ یہی بات تو میں بیگم پروین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ تو میرا فون تک سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس بیگم پروین کی تو ایسی کی تیسی۔ کیا ہوا؟ کون ہو تم جو زبردستی میرے گھر میں گھس آئے ہو؟ زبردستی گھسنے والا میں تو کون ہو گیا، مگر اسے تو پہچانو، جس نے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا، یہ رابیال کی ماں ہے۔ اور تم رابیال کے عاشق؟ میری بیٹی اور اپنی بہو پہ الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے بیگم پروین۔ مجھے تو شرم اسی وقت آ گئی تھی جب میں تمہاری بیٹی کو بیاہ کر تمہارے محلے سے نکل رہی تھی۔ کس کس نے نہیں کہا کہ میں انسپیکٹر کبیر کی جھوٹن کو بیاہ کے لے جا رہی ہوں؟ نہیں، اب زبان کو لگام دو بیگم پروین۔ آہستہ بولو انسپیکٹر، تم جیسے پولیس والے میری باجی کی کوٹھی کے گیٹ پر پہرا دیتے ہیں۔ دیتے ہوں گے، لیکن پانچ منٹ کے اندر اندر تم نے رابیال کو اس کی ماں سے نہ ملوایا تو تیری باجی کے سارے پہرے دار مار دوں گا۔ عجیب زبردستی ہے، جب بیٹی ہی اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی بات میری بیٹی میرے منہ پہ آ کر کہتے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ رابیال، رابیال تم ٹھیک تو؟ میرے بچے، تم اچھے ہو نا؟ بس ماں، تو بار بار یہاں آ کر اپنے ساتھ مجھے بھی نہیں کرتی ہو؟ تو میرا گھر بسا کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی نا؟ تمہارا بوجھ تو ہلکا ہو گیا، اب مجھے یہاں چین سے مرنے تو دو، مرنے تو دو۔ خالہ، ہو گئی تسلی تمہاری؟ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ ٹھیک کہتی خالہ، اب یہاں تیرا کوئی نہیں، یہاں تیرا کوئی نہیں۔ میری بیٹی، میری بچی، میری بیٹی، میری بچی، میری بچی۔ او خدا، رابیال یہ تم نے کیا کیا؟ رابیال، میرے ارمانوں کی لاش چیخ چیخ کر تجھ سے سوال کرتی، چیخ چیخ کر تجھ سے یہ سوال کرتی، چیخ چیخ کر تجھ سے یہ سوال کرتی ہے خالہ، کہ تو نے رشتے جوڑتے وقت
सिर्फ पैसा ही क्यों देखा? सिर्फ पैसा ही क्यों देखा खाला? शराफत और ईमानदारी क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी खाला? बोल बोल खाला बोल, क्यों नहीं देखी शराफत और ईमानदारी? क्यों नहीं खाला? बेगम परवीन, काश काश मैं राबियाल का प्यार होता, इंस्पेक्टर ना होता, तो इस वक्त तेरी लाश यहां पर तड़प रही होती। मैं तुझे राबियाल और उसकी मां के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मुझे गिरफ्तार करने से पहले अपने बड़ों से बात कर लो इंस्पेक्टर। वरना क्या नहीं हा? बोल वरना क्या नहीं? ये जो तेरी बेगम परवीन है ना, ये भोले भाले वालदेन की बच्चियों को वरगलाकर उन्हें अपने भरों से ब्याह कर उनसे धंधा करवाती है। मैं इसे गिरफ्तार जरूर करूंगा, समझा? मैं इसे गिरफ्तार जरूर करूंगा। जो भी हुक्म देना है वो लिखकर मेरे थाने भिजवा देना। बेगम परवीन, एक बात याद रखना, हवा की बेटी से धंधा करवाने वाली हर नायिका को बीच चौराहे में गोली मार दूंगा। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे इस कर्म खून का है इंस्पेक्टर। जिसे किसी औरत ने अभी तक ठंडा नहीं किया, मुझे तो तुम्हारी जवानी पे तरस आता है। मेरा क्या है, मैं तो चंद ही घंटों में यहां से बाहर चली जाऊंगी। राबियाल और उसकी मां की मौत के जिम्मेदार तुम हो, और फांसी फांसी से कम सजा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा नहीं। लाशें बोला नहीं करती इंस्पेक्टर, तुम्हारे अंधे कानून को सबूत की लाठी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कानून अपने बच्चों की गवाही नहीं मानता। कहां से लाओगे गवाही मेरे खिलाफ? मैं दूंगा गवाही। इफी, तुम लंदन से कब वापस आए? काश के मैं यहां वापस ही ना आता। अच्छा किया इंस्पेक्टर जो तुमने इस बदकिरदार औरत को गिरफ्तार कर लिया, वरना आज मेरे ही हाथों मेरी बीवी का खून हो जाता। मैं अदालत में इस कमीनी के खिलाफ गवाही देकर इसे सजाए मौत दिलवाऊंगा, ताकि मेरी बेटी इसके गुनाहों की सजा से बचकर रह सके। लगता है जहांगीरा को इत्तला करनी पड़ेगी। We'll be right back.
वकील नबीला कोर्ट से मैडम बीपी की जमानत लेकर आई हैं। जी बताएं। मिस्टर कबीर, अब तुम मैडम बीपी को एक मिनट भी हवालात में नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर फरीद। यस सर। मैडम को छोड़ दो। ओके सर। इंस्पेक्टर कबीर, मुझे भी एक FIR दर्ज करवानी है इस थाने के इंचार्ज के खिलाफ। मेरी रिपोर्ट लिखने से इनकार करोगे तो लिख कर देना, ताकि मैं तुम्हारे बड़े अफसरान को दिखा सकूं कि तुमने मेरी रिपोर्ट लिखने से। अरे यस सर। इसकी रिपोर्ट लिखो। लिखवाइए मैडम। लिखो फरीद। जब थाने के सभी अहलकार सो गए तो इंस्पेक्टर कबीर हवालात में मेरे पास आया और मुझे एक वाले जुर्म करने के लिए कहा, और जब मैंने इनकार किया तो इंस्पेक्टर कबीर ने मेरी नाजुक नाजुक जगहों पे हाथ साफ करने लगा। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं इंस्पेक्टर, ये मेरी रिपोर्ट है, और जब मैंने इनकार किया तो इस इंस्पेक्टर ने इसने गन पॉइंट पर हवालात में मेरी इज्जत लूट ली। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या कर रहे हैं सर? मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। छोड़ दे सर। बिहेव योरसेल्फ। तुम मेरी क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसे वकीलों ने कानून को इन जैसे लोगों के बिस्तर की चादर बना दिया है, इन जैसे लोगों के बिस्तर की चादर। तुमसे तो मुलाकात अब कोर्ट में होगी। चलो मैडम। अब मगरमच्छ की आंसू मत बहाओ मैडम बीपी, तुम्हारे पांव का कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुझे बाप के सदमे ने मुझसे सुतेली मां जैसा सलूक करने पर उकसाया है। एडवोकेट ने पीला मुझे रात भर बेआबरू करने वाले इंस्पेक्टर कबीर के कतूत सुनकर मेरा गैरतमंद खामन हार्ट अटैक से मर गया है। ऐसी रिपोर्ट लिखकर इंस्पेक्टर कबीर पे दावा ठोको कि वो सारी जिंदगी जेल में सहता रहे। इंस्पेक्टर कबीर, तुम्हें अपने फाइल में गफलत बरतने पर सस्पेंड किया जाता है। तुम्हें बेगम परवीन की इज्जत लूटने पर गिरफ्तार किया जाता है।
वो कुला की बहस और कबीर के पेटीबंद भाई एसआई फरीद की गवाही साबित हो गया है कि इंस्पेक्टर कबीर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हवालात में बेगम परवीन की इज्जत लूटी। लिहाजा यह अदालत दफा 10/7/79 ताजिरात पाकिस्तान के तहत 2 साल की कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। मेरे दुखों की दास्ता सुनकर आंखें तुम्हारी को लाल हो गई है बेटा, इसलिए कि तेरा दामाद एकदम लाल है और वो बेगम परवीन उसकी मां नहीं कोठी खाना चलाने वाली नायिका है, संधि है। उस संधि ने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। उस संधि की तुम मां की
गरम 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 वे मैं बढ़िया गरम गरम वे मैं बढ़िया गरम गरम वे तू बनाए नरम नरम पतले अंदर में टूटता मेरा तू दिल में मचलता तेरा कर आते नहीं शर्म गरम 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 वे मैं बढ़िया गरम गरम वे मैं बढ़िया गरम गरम बाबू तलाल और बेगम प्रवीण कोठी खाने की नायिका है कबीर जैसे फरिश्ता मुझे ना बचाता तो बाबू ने बदमाशों से मेरा कत्ल कर दिया होता आंसू पीजा बाबा आंसू पीजा जिस फरिश्ते ने तेरी जान बचाकर तुझे यह हकीकत बताई है उससे कहना एक एहसान और करते मुझ पर मुझे किसी ना किसी तरह इस जेल से आजाद करा दे आओ बेटा जल्दी बैठो बाबा मेरी बेटी चल बारी कबीरा के पास कबीरा ने अपना वादा पूरा कर दिया है अब तुम अपनी बेटी को लेके गांव वापस जा सकते हो गांव वापस चला जाओ कैसे वापस चला जाओ किस किस को मैं अपनी बेटी की बेगुनाही और दामाद के जुल्म की दास्तां सुनाऊं किस किस को और मुझसे पहले पुलिस नहीं 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 वहां पहुंच गई तो मेरी बेटी को वो ढूंढ लेगी मैं फरूरों के इस डेरे पर मैं इस लड़की को कैसे रख सकता मैं यहां रहने भी नहीं आई हूं जहां आपने इतने एहसान किए हैं एक एहसान और कर दीजिए मुझे कुछ गोलियां और पिस्तौल दे दीजिए ए लड़की अपनी हिफाजत के लिए तुझे असला उठाना ही नहीं चलाना भी पड़ेगा डूबने वाला तिनके का सहारा लेकर भी बचने की कोशिश करता है जिन्होंने मुझे बर्बाद करके दुल्हन एक रात की बनाया है अब उन्हें हर रात मौत नजर आएगी मौत ओए 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 बच्चों ये रोए साइकिल की ब्रेक नहीं है ओए ओए बच्चों बाबा साइकिल की ब्रेक नहीं है वो देखो गाड़ी वाली ने मार डाला गरीब को ओहो क्या शोर मचाया हुआ है गलती जिसकी भी है वो बाद में देख लेना पहले से मेरी गाड़ी में बिठाओ मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊं डॉक्टर नर्स कमरे की बत्ती तो जलाएं अंधेरा क्यों कर रखा है लगता है इनकी आंखों की रोशनी चली गई है नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता चलो बीबी अब तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी एक मिनट इंस्पेक्टर मैं जरा फोन मेम साहब आप इंस्पेक्टर साहब इनकी कोई गलती नहीं है गलती तो मेरी है जो अपनी परेशानियों के बोझ तले दबकर इनकी गाड़ी के नीचे आ गया इन्होंने तो यहाँ पहुंचाकर मेरी मदद की है आप जा सकते हैं ओके आइए इंस्पेक्टर
थैंक यू। थैंक यू, टोनी नाम है मेरा। टोनी, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारे हॉस्पिटल के खर्चे से लेकर तुम्हारे घर तक का खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगी। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी आंखें बंद कर तुम्हारा साथ दूंगी। अंधे को आंखें और भूखे को रोटी मिल जाए तो उसे और कुगु चाहिए। हेलो बाबू, तू तो चमेली की अंदर की आग को बुझा नहीं सका। साली ने जेल में लगी आग से फायदा उठाया और कुछ कैदी औरतों के साथ फरार हो गई। क्या? ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, अगर वो तुमसे रابطہ करने की कोशिश करे तो मुझे जरूर बताना। नहीं, इस वक्त मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय बाय। चार, एक तो तुम्हें फोन बहुत आते हैं। बिजनेस बिजनेस। साला, मुझे कौन देता है? मैं तो खुद हर क्लाइंट को गोली देती हूँ। मैं, बाबू कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता बाबू कहाँ है। हाँ, लेकिन तुम इतना तो जानती हो कि तुमने मेरे जैसे कितने बेगुनाह जेल की कोठरी में भेजे हैं। आज मैं तेरा घर ही तेरे लिए तेरी कब्र बना दूंगी। इंस्पेक्टर फरीद, कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रेस वालों को हम खुदकुशी ही बतलाएंगे ताकि कातिल या कातिला चुकंदा ना हो जाए। कैसे हो टोनी? हॉस्टल के वार्डन ने रोका तो नहीं तुम्हें? रोका था, फिर मेरी छड़ी देखकर समझ गया कि अंधा क्या चाहता है। दो प्यार भरी आंखें। तुम्हारा इलाज तो ठीक चल रहा है ना? अगर मजीद पैसे चाहिए तो मांग लेना। अब डॉक्टर कहता है कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं देख सकता हूं। टोनी, मैं तुम्हें
तुम पर एटम बम नहीं गिराया, इसलिए हॉस्टल में रहने की जिद कर रही थी पिंकी कि अपनी माँ की इज्जत का जनाजा निकाल सको। इज्जत बेचकर रोटी कमाने वाली आज अपनी इज्जत की दुहाई दे रही हो। यू शट अप। गार्ड्स, इसे घर ले चलो और साथ मुझे भी, क्योंकि मुझे घर दमाद बनना पसंद है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गो टू हेल। बेटी का घर बसाना है तो दमाद की इज्जत करो मम्मी। तुम्हारी ये हिम्मत? गार्ड्स, शूट हिम। अदालत में तो जैसी रंडे की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक गोली है। पुलिस आ गई कबीरा, इस सपनी को मारने के और भी मौके मिलेंगे। चलो चलिए। शिट, कबाब में हड्डी तो सुना था लेकिन आजकल ये मोबाइल इस मुहावरे की जगह ले रहा है। जान जरा देना। डार्लिंग, तुम इसे बंद क्यों नहीं कर देते? बिजनेस जान, बिजनेस। हेलो, फोन क्यों उठा रहे थे बड़वे? मेरा नंबर फीड क्या हुआ? यार जहांगीरा, एक तो तू हर वक्त बदमाशों की टेम्पो में बात करता रहता, ना क्या करे यार, तू तो जानता है सिंधे नाजुक मेरे साथ होती है। तेरी तेरी वो सिंधे नाजुक एडवोकेट नबीला तो गई, उसने अपने फ्लैट से कूदकर खुदकुशी कर ली है। अरे नहीं यार, वो खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे जरूर किसी ने मारा होगा। अरे हाँ याद आया, वो कबीरा भी तो जेल से आ चुका है ना, उसे भी तो उसी ने फंसवाया था। कबीरा, कबीरा को तो उसकी मौत बनकर मैं तलाश कर रहा हूं। तो बतला, मिनिस्टर वाला काम किया या नहीं? दादा बहुत गर्म हो रहे थे। अच्छा सुन, तूने कुछ दिन की गोली दे दे यार। अरे मिनिस्टर हमारा काम नहीं करेगा तो कुर्सी पे कैसे रहेगा? अब बस भी करो ना। अच्छा सुन, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं, मैं इस वक्त एक एक जरूरी मीटिंग में हूं। बाय। फिर किसी लौंडिया के चक्कर में बढ़वा।
क्षमा यार, जब भी मैं एंजॉय करने लगता हूँ तुम लोग बीच में आटा पकते हो। अब क्या हुआ? तुम्हें दादा ने बुलाया है। अच्छा यार, मैं कपड़े तो उठा लूं। हाथ धो गए यार, चलो। यार ये क्या बदतमीजी, जब मैं आराम से जा रहा हूँ तो धक्के देने की क्या जरूरत है यार। यार कर्मा, ये तुमने अजीब जानवर पाल रखे यार, इनको बात करने की तमीज़ नहीं, समझा यार इनको। और तू जो हर दूसरे दिन दादा को गोलियां दिए जा रहा है, उसका क्या? दादा बहुत गर्म है। वो यार कर्मा, वो यार एक दो दिन की तो बात है बस। बस ये गोलियां दादा को देना, जाओ ऊपर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ। ये भी साला बड़ी टेंशन है। सलाम दादा। सलाम दादा। मुझे तेरा सलाम नहीं, अपना काम चाहिए बड़े। तेरे एक इशारे पर मैंने तेरे ससुर रहमान का गला काटने का ऑर्डर दिया था, और तू कब मिनिस्टर के पास तितलियां लेकर जाएगा? कब मेरी पैराडाइज स्टोन की फाइल पर साइन करवाओगे? ये नोट देख रहे हो, 7 करोड़ है ये, जो मेरे साथ इस स्टोन पे लोगों के लगे हुए हैं। ये पैसे मैंने बैंक से इसलिए निकलवाए थे कि अगर तुम मेरा काम ना कर सको, ये पैसे मैं उनको वापस कर सकूं। और अगर ये पैसा वापस हुआ तो? अरे नहीं दादा, आप फिक्र ना करें, हफ्ता दो हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। कितना गया है तेरे पास? वो दादा 5 लाख। ये रकम मैंने कहानियां सुनने के लिए नहीं दी। 7 दिन तक मेरा काम ना हुआ, 7 दिन में मैं और मेरे आदमी तुझे फोन नहीं करेंगे, लेकिन 7 दिन के बाद। अरे नहीं दादा, अगर 7 दिन के अंदर आपका काम ना हुआ तो आप बेशक मुझे गोली मार दीजिएगा, बस आप खुश हैं। दादा अब मैं जाऊं? जाओ। अच्छा दादा। अम्मा यार, तुम लोगों ने खामखा की टेंशन दे रखी थी, मैं दादा को मुतमइन कराया हूं। चमड़ी का कारोबार करने वाले मुतमइन कर ही लेते हैं। अम्मा यार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अबे यार, तू तो बीच में से हट। हेलो भाई, क्या दादा सो तो नहीं रहे? अभी अभी वो बाबू मिल कर गया। क्या? अरे यार, टेंशन काई को लेता है, मैं देखता हूं। हटो हटो। दादा दादा क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? उसी बाबू भड़वे ने दादा को मारा है।
और ये पैसे भी गायब हैं। वो जमीन की तह में भी छुपा होगा। तो जागीरा, जागीरा उसे मार डालेगा, मार डालेगा बाबू। खैरियत तो है जागीर, तुम मेरे घर की तलाशी? हाँ, तुम्हारे घर की तलाशी। तुम्हारे उस पड़वे ने मेरे बाप का गला काटकर मेरा 7 करोड़ लूटा है। डैम इट, और ऊपर से उसका मोबाइल भी बंद है। ओहो, उसने सिम चेंज की होगी, मगर वह तो चींटी भी नहीं मार सकता। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? रुको। हेलो, अरे बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? अपने ही सर की छत अपने ऊपर गिरा दी। ओहो भाजी, आप भी जागीरा की बातों में आ गई। मैंने दादा का गला नहीं काटा। मुझे तो लगता है कि कर्मा ने अपने बाप का कत्ल किया है। क्या, कर्मा अपने बाप को मारेगा? ए मरे चूहे, मेरे भाई पर क्या इल्जाम लगाता है? सामने आकर बात कर हरामी। अरे जांगीरा भाई, मेरी क्या मजाल कि मैं आप जैसे बदमाशों के सामने एक गोली तेरे भेजे में डालूंगा तो तू मस्का लगाना भूल जाएगा। जल्दी बोल, तू है कहां? तुझे मारने का हुक्म देने वाले दादा का गला मैंने काट दिया है बाबा। जिस तरह बाबू ने मुझे थुलन एक रात की बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसे एक रात में कातिल का खिताब देकर कानून और बदमाशों को उसके पीछे लगा दिया है। काय को पंगा ले लिया तूने, लेकिन पंगा ले ही लिया तो लड़ना तो पड़ेगा। वो होटल का कमरा है ना, वो महफूज नहीं है तेरे लिए। ए बारी। जी भाई। चाबी दे। चाबी रख ले, घर की चाबी है, वहां तो महफूज रहेगी। हम दोनों बाप बेटे तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करें बेटा। ए बाबा, बुजुर्ग बच्चों का शुक्रिया अदा करते अच्छे नहीं लगते हैं। जा जा गाँव जा, चल शेर खा। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अपने घर में जगह देने वाले, काश मैं तेरे जैसे गैरतमंद के दिल में जगह बनाती।
जान, बड़ी घबराई हुई हूँ। अल्लाह, कबीर जेल से वापस आ चुका है और मैं उसकी मौत बनकर उसे तलाश कर रहा हूँ। तुम बेफिक्र हो जान, इतने पहरे में कबीर आकर कभी खुदकुशी नहीं करेगा। ओके, बाय। जंगीरा, मैं तुझे कैसे बताऊँ, मुझे तो ख्वाबों में भी कबीर दिखाई देता है। कबीरा के ख्यालों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। कबीरा
तेरा ख्याल में नहीं, हकीकत में मौत का फरिश्ता बनकर आया है तेरे लिए। सरताज, जेल से भागने के बाद मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप मिले भी तो यहां। मुझे तो आपका अता पता भी मालूम नहीं था। क्या बात है, आप परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं। खैर, वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ, तुम फेरी कहां? ये घर मेरी जेल की एक सहेली ने मुझे दिया है। मेरे पास तो वकील नबीला के टेलीफोन के अलावा कुछ था ही नहीं, और वो भी टेलीफोन नहीं उठा रही थी। उसका कत्ल हो चुका है। अच्छा? हाँ, और अब वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। मगर क्यों? दरअसल तुम्हारी रिहाई के लिए मैं और एडवोकेट नबीला सबूत इकट्ठा कर रहे थे कि वो लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए। और तुम्हारी बाजी? नहीं, मामला बाजी की पहुंच से बहुत ऊपर चला गया। यस, यस। आइडिया, देखो तुम मेरा काम करोगे। तुमने कर्मा सिर्फ इतना कहना है कि तुम बाबू का पता जानती हो। क्या तुम जानते हो कि बाबू कहां छुपा हुआ है? जी साहब। नहीं कर रहा भड़वे। शेर को चारा डालने के लिए बकरी, और बदमाश को काबू करने के लिए लड़की का सहारा लेना पड़ता है भाई। ए चंबेली, लगा जरा इसके बड़े भाई जहांगीरा को फोन, ताकि ये उसके सामने अपनी जुबान से खुद इकरार कर सके कि अपने बाप का खून इसी ने किया है, और 7 करोड़ भी इसी ने उड़ाए हैं। बकवास! बाबू पुलिस! शिट! कम ऑन चमेली! खबरदार, तू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इसे। देखो कर्मा का कत्ल मैंने नहीं किया फरीद,
मैं तो उसे मिलने आया था। आपके मेलजोल वाले अक्सर कत्ल हो जाते हैं बाबूजी, जैसे दादा कर्मा और उनसे पहले लेडी वकील नबीला। मगर नबीला ने तो खुदकुशी की थी। और उससे जेल से भागने वाली तेरी दुल्हन चंबेली ने मारा है। खबरदार, तुम्हारे भाई को पुलिस ने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। और उस किसी और को जब तक जहांगीरा नहीं मारेगा चैन से नहीं बैठेगा। कि मेलजोल वाले अक्सर कत्ल हो जाते हैं बाबूजी, जैसे दादा कर्मा और इससे पहले लेडी वकील नबीला। इसे जेल से भागने वाली तेरी दुल्हन चंबेली ने मारा है, और वो भी टेलीफोन नहीं उठा रही थी। उसका कत्ल हो चुका है। अच्छा। हाँ, और अब वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। जेल से भागने के बाद मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप मिले भी तो यहाँ। मुझे तो आपका आता पता भी मालूम नहीं था। क्या बात है, आप परेशान से लग रहे हैं। बाबू तुम आ गए। खुदा का शुक्र है कि तुम पुलिस से बचकर आ गए। क्यों, तुमने तो समझा होगा कि बाबू गया सारी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे, है ना। कैसी बातें कर रहे हो बाबू, मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी दुल्हन हूँ। तुम मेरी दुल्हन हो, लेकिन सिर्फ एक रात की, बस। राम सादी, मैं तुम्हें मासूम समझता रहा और तुम मुझी से खेलती रही। जहांगीरा के बाप का कत्ल किया तूने और झूठे इल्जाम में फंसाया मुझे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे अपनी दुल्हन बनाकर किसी और के सामने पेश किया था। बिरले, तुमने मुझे धोखे से उम्र कैद की सजा दिलवाई थी, मैं तुझे कत्ल के केस में फांसी दिलवाऊंगी। फांसी तो मैं तुम्हें अभी दे दूं, मगर उससे पहले तुम्हें वो 7 करोड़ मेरे हवाले करने होंगे जो तुमने जहांगीरा के घर से चुराए थे। वो पैसे मेरे पास नहीं है। अगर तुमने वो पैसे मुझे न दिए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। वो पैसे मैं तुझे जेल पहुंचाने के लिए खर्च करूंगी। कबीर, कबीर, मैं आंसू तुम मेरी खातिर अपना खून बहाओ और मैं तुम्हारी खातिर आंसू भी नहीं बहा सकती। एक वो मर्द था जिसने इज्जत बनाकर मुझे इज्जत के बाजार में बेच डाला, और एक तुम हो जो मेरी आन और मेरी जान की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगा दी। ऐसा क्यों किया तुमने, आखिर क्या लगती हूं मैं तुम्हारी। ये अपने दिल से पूछो। Thank you.
दोबारा दुल्हन बनाएगा, वो भी सिर्फ एक रात की। चलो
सकता। आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। थैंक यू अंकल, आपने मेरे भाई की जान बचाकर मुझे खरीद लिया है मिस्टर। कबीर, कबीर किसी बेगुनाह को मरने नहीं देता। हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में। इंस्पेक्टर फरीद के साथ मिलकर बाबू ने खून की होली खेली है कबीर भाई, और वो चमेली को भी अपने साथ ले गया है दोबारा दुल्हन एक रात की बनाने के लिए। अच्छा हुआ जहांगीरिया तू भी आ गया। आज तेरी आंखों के सामने इसी जगह तेरे बाप के कातिल को बेनकाब करूंगा। चल चल, यह है वो कमीनी जिसे मैंने दुल्हन एक रात की बना के जेल भिजवाया था। इसी ने जांगीरा भाई, इसी ने जेल से फरार होकर तुम्हारे बाप का कत्ल किया और इल्जाम मुझ पर लगाया। बोल बोल। जांगीरा साहब, मेरी आपके बाप से क्या दुश्मनी थी? मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी? क्या बकवास करती है? देखो जांगीरा भाई, आप इसकी बातों में ना है। मैं आपको बताता हूं, इसी ने आपके बाप का कत्ल किया है, और सिर्फ आपके बाप का ही नहीं बल्कि हमारी एक खास वकीला, उसका कत्ल भी इसी ने किया है। बोल। कौन अमीना? कौन वकील? मैं किसी को नहीं जानती। जंगीरा साहब, आप मुझे बचा लीजिए। जो शख्स निकाह करके अपनी बीवी को बेच सकता है, वो पैसों की खातिर आपके भाई और बाप को भी मार सकता है। आप नहीं। बोलने दे से। इसकी ज्यादती भूलकर इसकी बीवी होने के नाते मैं जेल से भाग कर आई थी इसका घर बसाने, मगर इसने मुझे बताया कि इसने 7 करोड़ रुपए की खातिर आपके बाप को मार दिया। ये बकवास कर रही है जांगीरा भाई, आप इसकी बातों में नहीं आइएगा। ये बड़ी चालाक है। अलाके या तुम
इसका फैसला सुनने के बाद होगा। बोल भी। जहांगीरा साहब, इसने मुझे लालच दिया था कि मैं आपके सामने आकर आपके भाई और बाप का कत्ल कबूल कर लूं, तो ये मुझे 2 करोड़ रुपए देगा। मेरे बाबा ने मना किया तो इसने मेरे बाबा को भी मार डाला। अरे भाई, आप इसकी बातों में ना आइएगा। देखे देखो, ये बकवास कर रही है। I'll kill her। बकवास ये नहीं, तुम कर रहे हो बड़वे। अगर गोली चली जहांगीरा, आज तू भी गया। यार को समझाओ मैडम बीपी, अगर मैंने इसके बाप को मार के 7 करोड़ चुराया होता तो आज मैं यहां नहीं किसी दूसरे मुल्क में अय्याशी कर रहा होता। ये ठीक कह रहे हैं जहांगीरा, तुम दोनों की लड़ाई में वो साली भाग गई है। पकड़ो साली को। बड़वे से प्यार करने से बेहतर है कबीरा तन मना। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार दी जाती है। इसी तरह जब औरत इस हद तक गिर जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। मुझे थुनन एक रात की बनाकर बर्बाद करने वाले दलाल, तेरा अंत मेरे हाथों से होगा। दुल्हन एक रात की नहीं, मेरी जिंदगी की हर रात की दुल्हन होगी। कभी दुल्हन होगी।